हमारे मौलिक अधिकार ना छिन जाए, ये डर है हमें। सरकार आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही है, अपनी मर्जी से जो भी निर्णय ले रही है वो सब जनहित में नहीं है बल्कि जन दुख के कारण बन चुके हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है और सरकार ने जो मेरे साथ किया है या दूसरे लोगों के साथ किया है, अब वो ना हो, क्योंकि हमको उस सिस्टम के अंदर ही जाना पड़ेगा जहाँ से सारी पॉलिसी बनती है। मैं जैसा आज हूँ ऐसा ही आपके बीच रहे हूँ, और आपसे आशीर्वाद चाहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 6/12/2017 में मैं ये घोषणा करता हूँ, क्योंकि मैंने मेरे सहयोगियों से सबसे सलाह लेकर ये बात कही है, और मैं उन लोकसभा क्षेत्रों से और उसकी जनता से यह आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आप मुझे अपना बच्चा और एक आप में का गरीब इंसान समझते हुए मेरी मदद करें, क्योंकि मैं आगामी 2019 के चुनाव में लोकसभा के लिए राजनाथ सिंह जी के सामने इलेक्शन लड़ने का प्रयास नहीं निर्णय कर चुका हूँ। आइए राजनाथ सिंह जी, आपने सैनिकों की बात नहीं सुनी, लेकिन आज एक सैनिक किरण पाल सिंह यह ऐलान करता है कि मैं 2019 का लोकसभा का चुनाव जिस क्षेत्र से भी आप लड़ेंगे राजनाथ सिंह जी, मैं आपके सामने लड़ूंगा और आपसे जवाब लिया जाएगा। जो आपने हमें जवाब दिया, उस जवाब को आपको देश की जनता वापस देगी, उस क्षेत्र की जनता आपको वापस देगी। आप देश के जिस कोने से भी लड़ना चाहे, मेरी चुनौती स्वीकार करें, क्योंकि ये असम राइफल्स का पूर्व सैनिक किरण पाल सिंह, जिसे आपने प्रताड़ित किया और आपकी वजह से मैंने अपना परिवार से लेकर सब कुछ खो दिया, आज मैं आपके सामने 2019 का इलेक्शन लड़ने की घोषणा करता हूँ।